करने से पूर्व अपने अपने गुरु के चित्त को स्मरण करिए अपने हृदय में। हे गुरु, हमारे जीवन को तमाम विपदा से बचा के रखे। दो मिनट अपने अपने गुरु के चरणों को ध्यान कीजिए, उसके उपरांत फिर कथा में प्रवेश करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदष्टा कपित संभो वज्रयतिं च मानम्। नमः कुंज विहारिणे नमः। नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरोचो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मनुनि। अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं गणितवल्कृशानं ज्ञानिनां सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्सजातं नमामि। चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नासत विधुन श्री राधे मेरी स्वामी जी। मैं राधे जुकदार जन्म जन्म मोहे दीजयो श्री चरण को। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास ताके प्रसन्न लाडली सदा विपिन को। मेरे मन मारिक गिरवे धरो श्री मनमोहन के पास प्यार प्रेम ब्याज इतना बढ़ो ना छूटन की। यहाँ पे सभी उपस्थित श्रोतागण, हमारे महाराज श्री हरदारपुर जी महाराज जिन्होंने हम पे कृपा की, आज स्वयं महाराज यहाँ पे पधारे हैं, तो एक बार तालियों के साथ महाराज की स्वागत कीजिए कि महाराज ने हम पे कृपा की स्वयं पधारे यहाँ पे। इस परम मंगल अद्भुत अविस्मरणीय बेला
जिसको ठाकुर ने अपनी महफिल सजाई, हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ इस भागवत रूपी रसपान का श्रवण करने के लिए। यहाँ के सभी नगरवासियों को व्यासपीठ से बहुत बहुत जय श्री कृष्णा। आपके हृदय स्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आप सबने श्री भागवत जी महाराज को अपने नगर में बुलाया। बिहारी जी को बुलाना है तो दो मिनट बड़े भाव के साथ, जिस इसको बिहारी जी को बुलाना है। देखिए, मैं कल भी आपसे प्रसंग में कह रहा था कि यहाँ पे जितने भी श्रोता बैठे हैं वो अपने आप को एक ना समझे, वो करोड़ों के समान है। और जब ठाकुर की महफिल सजी हो तो फिर स्वागत भी होना चाहिए। और स्वागत भी ऐसा नहीं, आपके नगर में ठाकुर आए और आप तो श्रोता हो, सोता थोड़ी ना हो, आप तो जागरूक श्रोता हो। तू राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, तू राधे राधे बोल चले आएंगे Thank you.
रास्ता राधा कृष्ण के दरबार से स्टार्ट हुआ है। प्रेम है पूजा, प्रेम है पूजन, प्रेम है तुझे दिल में बसा तो तुझे दिल में बसा तो स्मरण करते हुए कथा में प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनकी कथा और वही सुनाने आएंगे। हम सब में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी कथा को, उनकी लीलाओं को वर्णन कर पाए। तो ठाकुर के युगल चरणों में प्रार्थना है कि आप आए और अपनी लीला को खुद ही सुनाए। और ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, जो अपनी लीला को और खुद ही श्रवण कराए। हम जीव अपनी लीला को तो रोज ही बखान करते, आप हम सब लोग जब भी किसी से मिलिए, कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगी, आपको हम एक बात बता दें कि ब्रिज के परम रसिक हुए स्वामी हरिराम जी व्यास, महाराज की रोज की लीला थी। जब भी कोई व्यक्ति महाराज के पास आता, महाराज उसको स्वागत करने और पूछने के बजाय उसको कहते थे कि कहीं जाओ और कन्हैया का पता ढूंढ के ला दो, और जिस दिन ला देना मेरे साथ आके बैठ जाना। प्रेम से बोलो श्री राधे। अब महाराज बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं आया जो ये पता बता दे कि वो ठाकुर कहां है। काफी वर्ष बीत गए। अब हरिराम जी व्यास जी को यह लगा कि कहीं मैंने गलत पता तो ना पूछ दिया, अब तो लोग आने ही कम हो गए यहां पे। एक दिन महाराज
यमुना तट पे स्नान को सुबह सुबह गए और वहां पे देखते हैं बड़ा एक अचंभा हुआ। वहां पे महाराज क्या देखते हैं कि जिस यमुना का जल से जीव पवित्र होता है उसी यमुना में एक धोबी अपना कपड़ा धो रहा है। महाराज ने कहा ये क्या कर रहा, अरे हम स्नान करते हैं ये कोई कपड़ा धोने की जगह है। बोला महाराज क्या करें, कपड़ा कहां जाके धोएंगे, जहां जल होगा वहीं तो कपड़े धोएंगे। महाराज जी को बात समझ में आ गई कि मैं बेकार के लोगों को परेशान करता था कि ठाकुर को पता बता दो, अरे वो तो मेरे अंदर ही है और मैं ढूंढता ढूंढता फिर रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं उसका कोई पता बता दो। तो महाराज जी ने एक कपड़े धोने वाले से यह सबक सीखी कि जब वो कपड़ा धोने के लिए जाहिर सी बात से जल में जाएगा, कपड़ा जल में ही धुलता है, तो फिर मैं अपने जीवन का इतना समय निरर्थक ही गंवा दिया। अरे मेरा भी तो जल मुझे मिले, और वो जल क्या है, वो जल कथा है, भागवत रसपान है, इसमें डुबकी लगाएंगे सारे विषाक्त शरीर के धुल जाएंगे। और कल के प्रसंग में आपने ये बात गोकर्ण भगवान के मुख से सुनी कैसे उन्होंने भागवत का आयोजन कराया और उसके बाद उनके घर के हर एक, गांव के हर व्यक्ति, नगर के हर व्यक्ति तर गए, महाराज बैकुंठ को प्यारे हो गए, बैकुंठ को चले गए। ये गोकर्ण भगवान ने स्वयं कल आपने प्रसंग में सुना, ये भागवत की महिमा है, नाम की महिमा संतों के मुख से सुनिए महाराज, नाम की महिमा तो बड़ी अद्भुत है, कहां तक आप उसकी बखान करेंगे। कल हम कथा में चर्चा कर रहे थे, दो चीजों को आप पकड़ लीजिए जीवन में, एक नाम और एक प्रणाम। जपेंगे तो अंदर की गंदगी साफ होगी नाम लेने से, भजन करने से, और प्रणाम करेंगे तो जीवन में खुशहाली आएगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए नाम और प्रणाम दोनों की महिमा महाराज बहुत अद्भुत बताई है भागवत में। तो आप, मैं दो दिन से आप सबसे, मेरी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में, मेरा प्रार्थना है कुछ और करो या ना करो लेकिन संतों को प्रणाम करो, संतों का नाम लो, हो सके तो भजन करो, जो भी समय आपको मिलता है, क्योंकि नाम और प्रणाम दोनों की महिमा बहुत अद्भुत है। कल के प्रसंग में आपने सुना नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र के बारे में बताया है कि मैं पूर्व में वेद पाठी ब्राह्मण के दासी का पुत्र था और मेरे गांव में कुछ ब्राह्मण कुछ संत लोग आए, और ये नारद जी किसको उपदेश दे रहे हैं, वेदो व्यास जी को, जिन्होंने स्वयं भागवत की रचना की है महाराज। आज देखिए एक बात और समझ लीजिए, ऐसे तो इन व्यक्ति को आत्मचर्चा से बचनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि महाराज भागवत में नारद जी ने अपनी आत्मचर्चा क्यों की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आत्मचर्चा से व्यक्ति को बचना चाहिए, और बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो हमेशा अपनी ही बात करते हैं, महाराज मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। जब भी आपको मिलेंगे वो अपनी कथा सुनाएंगे, कथा ये हमें सीख देती है। ये नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र के बारे में क्यों बात की, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज को कि नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र के बारे में वेदों व्यास जी से कहने लगे। लेकिन उसकी आवश्यकता
भागवत जी कहती है कि अगर जरूरत पड़े, जैसे किसी को कुछ चीजें समझानी हो तो थोड़ा सा आत्मचर्चा कर लीजिए, लेकिन हमेशा ही आत्मचर्चा नहीं। तो महर्षि वेदव्यास को आज परम असंतोष हो गया है। महाराज महाराज बड़े व्याकुल हैं, बड़े बेचैन हैं। और बेचैन क्यों है? परेशानी का कारण एक ही है कि मन में कुछ और है, आत्मा कुछ और कह रही है। सब कुछ लिख दिया महाराज ने, चार वेद लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, शास्त्र कर दिए, पुराण 17 लिख दिए, फिर भी आज महाराज असंतोष में पड़ गए। तो उस कारण नारद जी को अपना चरित्र सुनाना पड़ा है महाराज के सामने। प्रेम से बोलो श्री राम। चरित्र इसलिए सुना रहे हैं, जैसे कि एक तरह से आप इसको सरल भाषा में समझो, कोई व्यक्ति अगर परेशान होता है हम क्या करते हैं? उसको सांत्वना देते हैं, तो परेशान ना हो, ये मेरे साथ भी घटना घटी है। तो मानो नारद जी भी आज वही कार्य कर रहे हैं वेदव्यास जी के सामने। महाराज जी को सांत्वना दे रहे हैं, ये वेदव्यास जी पूर्व काल में मैं दासी का पुत्र था, कुछ संत हमारे नगर में पधारे, उन्होंने उनकी मैंने बहुत सेवा की। सेवा में प्रसन्न होकर संतगण मुझे एक मंत्र दिए, कथा ध्यान से सुनना, और मंत्र था ओम नमो वासुदेवाय। और उस मंत्र का महाराज मैंने जी जान से जाप किया। क्यों? क्योंकि वो गुरु ने मंत्र दिया था। कल की कथा में आप सुनो कि जो गुरु होता है वो भगवान से भी परे होता है। गुरु हमेशा, गुरु का जगह कहां है? सिर पे। और भगवान कहां विराजता है? आपके हृदय में। ये उसकी महिमा है। गुरु हमेशा आपको, गुरु के लिए आरक्षित जगह है सर, और हमारा ठाकुर हृदय में रहता है। नारद जी ने अपने प्रसंग की व्याख्या की है कि महाराज मैंने उस मंत्र का जी जान से जाप किया, काल का प्रभाव, मैंने अपने देह को त्याग किया, और देखिए उस संतों का प्रसाद का फल देखिए कि मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उत्पत्ति किया। ये संतों की महिमा है। तो अगर आपके जीवन में कोई संत आता है तो उसको प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि संत हमेशा लोक हित चाहता है, अपना आत्मिक सुख संत कभी नहीं चाहता। ये कथा बता रही है, संत हमेशा अपनी परम मंगल चाहेगा। यत्न कृतम भागवते पीठम मंत्रलोकम देवस्य ही तन्मय धन्य देवो नारद सस्तसी अहम तेजम नमः लोकम वेद ज्ञानम समर्पतम समर्पणम ज्ञानी लोकमाम वेदो ज्ञान नमस्ते। मतलब साथ में महाराज संत आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में क्या होगा? संत आपके जीवन में आएगा तो चमत्कार होगा। और वो चमत्कार क्या होगा? जैसे कि ओस की बूंदे जब एक गुलाब पे पड़ती है तो क्या होता है? गुलाब की खूबसूरती कितनी बढ़ती है? ओस की बूंदे अगर गुलाब पे पड़ती है तो उसकी खूबसूरती करोड़ों नहीं असंख्य गुना बढ़ जाती है। वैसे संत जब आपके जीवन में पधारते हैं
तो आपकी जीवन की भी सुंदरता वैसे ही बढ़ जाती है। ये संतों की महिमा। उसके बाद कथा के एक और प्रसंग आया है, भगवान के अवतारों की। सूत जी से सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज कृपा करके बताएं भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान के अवतारों की विवेचना कर रहे हैं। अहम लोकम देवस्ति देवस्य सूतम लोकम नमः भगवते वासुदेवाय परम लोकम धीमहि। महाराज कृपा करके बताइए कि भगवान के अब तक कितने अवतार हुए और उस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। कथा बड़ा विस्तार से है, लेकिन संक्षेप में कथा को श्रवण करते चलेंगे क्योंकि समय की उपलब्धता को देखते हुए हमें ध्यान रखना है। पहला भगवान का अवतार चार ऋषियों के रूप में सनत, सनादन, सनत कुमार और सनकादि, ये भगवान के पहला अवतार। दूसरा अवतार स्वयं ब्रह्म ऋषि नारद के रूप में, तीसरा अवतार भगवान का 12 भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं जब पृथ्वी को हिरण्यकश्यप से उन्होंने छुड़ा के लाए हैं, 12 भगवान अवतार लिए हैं। चौथा नर और नारायण का बताया गया अवतार, पांचवा कपिल जी महाराज का, छठवा दत्तात्रेय जी के महाराज। कपिल जी का अवतार तो श्रीमद् भागवत में बड़ा बृहद विवेचना की गई है और ये कपिल मुनि भगवान के पांचवे अवतार हुए। कथा में आगे हम श्रवण करेंगे, देहूति और कर्दम जी के पुत्र हुए हैं कपिल और इतने ज्ञान के रूप में भगवान का जो अवतार बताया गया है वो पांचवा अवतार बताया गया है ज्ञान के रूप में, और वो ज्ञान के रूप में जो भगवान का अवतार है वो कपिल मुनि के रूप में ही हुआ है। उसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार बताया है, ऋषभ देव जी का अवतार बताया गया है। उसके बाद जो अवतार हुआ है मत्स्य क्या हुआ है राजा पृथु के रूप में हुआ है। उसके बाद धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन भगवान के रूप में भगवान ने जन्म लिया है। उसके बाद स्वयं वेदव्यास जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में, उसके बाद भगवान श्री राम के रूप में। उसके बाद जो अवतार हुए हैं वो बलराम जी और कृष्ण के रूप में। उसके बाद हंस और हरिष्की के रूप में अवतार हुआ है महाराज का। उसके बाद बुद्ध अवतार बताया है, ये मुख्य अवतार भागवत में इसके बारे में जिक्र किया गया है। और जो 24वां अवतार के बारे में भागवत में बताया गया वो है कल्कि अवतार, जो इस कली के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और उस अवतार की एक विशेषता होगी कि जब कली काल का शेष 800 वर्ष रह जाएगा तो भगवान कल्कि अवतार लेंगे। ऐसे कली काल का जो समय है वो 4,32,000 वर्ष है। और अभी तो उसमें से 5,500 साल ही गुजरे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा होता इसका जीवन काल है, चक्र है। तो नारद जी अपने पूर्व चरित्र को वेदव्यास जी के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि नहा कि आप क्यों परेशान होते हैं, आपने सब कुछ तो लिख दिया है। अरे आपने तो महाभारत लिखा है और महाभारत बड़े अद्भुत ग्रंथ, महाभारत के बारे में कहा जाता है ना तन्ने भारते यन्ने भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में कहीं भी नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधा।
जो माँ भारत में नहीं है महाराज वो भारत में कहीं नहीं मिलेगा। और कुछ लोग तो ये शंका करते हैं कि महाराज माँ भारत रखने से घर में माँ भारत हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधा। तो आप ये बताइए कि हम माँ भारत घर में नहीं रखते तो क्या घर में हमारे रोज माँ भारत नहीं होता? बताइए। रखते हैं नहीं रखते हैं आप लोग, फिर भी घर में रोज माँ भारत होता है? और माँ भारत बड़ी अद्भुत ग्रंथ है महाराज। एक एक पर्व को वेदव्यास जी ने ज्ञान कांड, शांति पर्व, कर्मकांड, कर्मकांड के महाराज ने 80,000 श्लोक लिख दिए हैं महाभारत में। आप बताइए, महाभारत पढ़ने वाली चीज है, आप उसको पढ़िए। तन्ने भारते यन्ने भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में कहीं नहीं है। तो पढ़ने वाला ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महाराज। तो हाथ जोड़ के वेदव्यास जी नारद जी के सामने कह रहे हैं कि हे महर्षि मैं क्या करूं? अरे मैंने तो हर एक चीज लिख दी, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, बारह पुराण, पुरानी पुराण लिख दिए मैंने, सूर्य पुराण। फिर भी संतोष नहीं है। और संतोष क्यों नहीं है महाराज? संतोष इसीलिए नहीं है, और जीवन में संतोष तभी होगा जब आपके जीवन में संत आएंगे। गालिब कहता है, गालिब की पंक्तियां है ना, मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। वेदों व्यास के लिए शायद लिखी भी होगी, क्योंकि व्यास भी इतने व्यापक हो गए हैं। आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, पद्म पुराण में महाराज ने लिखा है अस्मनाम लोकम परम देवर्षि कृतम व्यासम परम धीमहि व्याप यन लोकम परित्राप्य है देवता गरम परम धीयन। मतलब कि मैं इतना व्याकुल हूं कि आज मैं अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहा हूं। परम ज्ञानी आदमी क्यों? क्योंकि जीवन में गुरु नहीं मिला अभी तक। और गुरु को देखिए, बात समझ लीजिए, क्योंकि वेदव्यास जी भगवान के अवतार है, 16वें अवतार है। अब भगवान को गुरु की क्या जरूरत पड़ गई? रामचंद्र जी ने गुरु नहीं बनाया, बनाया? किसने ने गुरु नहीं बनाया, बनाया? लेकिन वेदव्यास जी ने अभी तक गुरु नहीं बनाया किसी को। जो मन में आए उसको लिखते जा रहे हैं और उसी को ग्रंथ का अवतार दे रहे हैं। और मत्स्य पुराण में एक कथा बड़ी अद्भुत महाराज ने कही है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पे, ये कथा बड़े श्रवण करने योग्य है, मत्स्य पुराण की एक कथा है कि हुआ क्या है कि वेदव्यास जी जब मत्स्य पुराण लिखने बैठे हैं तो वहां पे नाग और नागिन सरस्वती नदी के तट पे उपस्थित हुई है और
महाराज ने उधर मछलियों को देख रहे हैं, इधर नागनागिन को देख रहे हैं और लिख रहे हैं किताब, ग्रंथ का आकार दे रहे हैं मत्स्य पुराण का। और बड़ी विचित्र घटना हुई महाराज के जीवन में, और वो घटना क्या थी कि मत्स्य पुराण का जैसे 24वां श्लोक महाराज ने लिखा था, जैसे 24वां श्लोक महाराज ने लिखा, वो जो नाग नागिन थे वो एक हो गए, जो नाग नागिन थे वो एक हो गए। महाराज ने कहा ये क्या अद्भुत है। और उतने में क्या देखते हैं कि जो ग्रंथ का आकार दिया वो ग्रंथ जल में चला गया। और ये जो असंतोष आज अब भागवत जी में पढ़ रहे हैं, ये उसी असंतोष का एक दृष्टिकोण है कि महाराज ने मत्स्य पुराण में जो जो बातें लिखी हैं सिर्फ संन्यास के बारे में लिखी है, सिर्फ संन्यास और वैराग्य के बारे में ही लिखी। और एक बात और समझ लीजिए कि संत अपने इंद्रियों पे अपने जीवन में हमेशा उदार होते हैं, लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत आपके साथ चूक भी होती है। आज वेदों व्यास जी के साथ वही हुआ, क्योंकि साक्षात भागवत रत्न सुखदेव जी उन्हीं के तो पुत्र हैं, जिनकी कथा आप आगे सुनो। तो ये भागवत में जो ये प्रसंग आया है, ये असंतोष की जो शुरुआत हम आपको प्रारंभ बता रहे हैं, वो प्रारंभ मत्स्य पुराण से ही हो गया है। आप मत्स्य पुराण पढ़ के एक बार देखिए, और इससे जल्दी आपको वैराग्य चाहिए तो एक बार आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे। आप एक बार गरुड़ पुराण भी पढ़ लीजिए। लोग तो कहते हैं महाराज कि गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ा जाता है, ऐसी धारणा है, लेकिन एक बार आप उसको पढ़िए। क्यों, हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि उसमें बड़ी डरावनी धरावनी बातें लिखी हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप चोरी करेंगे तो आपको ये इस योनि में भेजा जाएगा, आप किसी से बुरा बोलेंगे तो आपको ये योनि में भेजा जाएगा। अब हम पढ़ते डर जाते हैं, लेकिन किसी के मरने के बाद हम गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ते हैं कि वो 13 दिन तक हमारे मन में माया मोह की कहीं गुंजाइश ना हो, हम वैरागी बन जाते हैं, हम वैरागी हो जाते हैं। अरे क्या करना महाराज, अब दुनिया के ना, अरे जब वही नहीं रहे तो हम कहां से रहेंगे। ना ना, आज के बाद से तो बिल्कुल नहीं। आज नारद जी के भी जीवन में वही उत्पत्ति हुई है, लेकिन इच्छा सिर्फ इतनी है कि वैरागी भी आ गया तो कम से कम एक बार भगवत चिंतन तो हो जाए। अरे मैं कम से कम मरूं तो सुकून से तो मरूं। प्रेम से बोलो श्री राधे। और उसमें नारद जी जैसे ऋषि उनको मिल जाए तो आप कैसे सुकून से उनको जीने देंगे, है? वो तो एक दूसरे की बातों को लगाते हैं ना। फिर भी नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र की कथा सुनाई है और बोले हैं कि अभी तक आपने ज्ञान संन्यास वैराग्य कर्म सब कुछ लिख दिए, लेकिन अभी तक विशुद्ध रूप से भागवत बंधन नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया। तो हे वेदव्यासी, आप कुछ ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसमें कि शुद्ध रूप से सिर्फ भजन हो, और वो भजन ऐसा हो कि मानव को ज्ञान वैराग्य भक्ति सबसे जोड़ के रखे। इसलिए महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। और एक बात और इसके साथ समझते चलिए, बहुत से लोग इस पे शंका करते हैं कि महाराज भागवत तो मनमुखी है, क्योंकि किसी ने कथा कही, क्योंकि इस कथा से आपको यही तो सुनने को मिल रहा है कि नारद जी ने उपदेश दिया वेदव्यास जी को और वेदव्यास जी ने भागवत को लिख दिया। नहीं, भागवत बनी कैसे,
सबसे पहले भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, नारद जी ने सूत जी महाराज को सुनाई, वेदव्यास जी को सुनाई, और वही चतुर्श्लोकी भागवत महाराज वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों के साथ श्रीमद् भागवत की रचना कर डाली महाराज। और ये भागवत महाराज की तो कथा मनमुखी हुई या गुरुमुखी हुई, ये गुरु परंपरा से चली आ रही ना। भगवान ने सुनाया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने सुनाया नारद को, नारद ने सुनाया सूत जी को, वेदव्यास जी को, और उनके बाद कथा सुनी सुखदेव जी महाराज ने। तो सुखदेव जी महाराज अब कथा किसको सुनाएंगे? परीक्षित को। कथा में हम आगे श्रवण करेंगे। ये कथा मनमुखी नहीं है, ये कथा गुरुमुखी है। और आप तो जानते ही हो गुरु परम सत्य होता है। और आप सुनते हो ना, लाख बार हरि हरि कहे सिर्फ एक बार हरिदास। आप जितने लाख बार हरि का नाम लेते हो, अगर एक बार आप हरिदास जी महाराज का नाम ले लो तो उतना ही फल मिलना है। क्यों? क्योंकि वो गुरु है। स्वामी हरिदास जी महाराज गुरु है महाराज। तो ये कथा, ये संशय मत करना कि किसी की लिखी हुई चीज है, नहीं, ये कथा स्वयं गुरुमुखी है, ये गुरु की परंपरा से अवतरित हुई है। तो वेदव्यास जी को उपदेश देके नारद जी यहां से निकले हैं। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की है। आगे के प्रसंग में कौरवों की और पांडवों की विवेचना करते हैं। श्री सूत जी के चरणों में सौनक आदि के मुनियों ने प्रश्न पूछा है कि महाराज भागवत की रचना के बाद हम पांडवों के कुछ चरित्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। ये कौन थे, इनके साथ हमने सुना है कि स्वयं ठाकुर थे, इनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार हुआ, आदि के प्रसंग में ये कथा आती है कि जब महाभारत का अंतिम पड़ाव खत्म हो चुका था, युद्ध खत्म हो गया, सब अपने अपने धाम को चले और उस लड़ाई में कौरवों की हार हुई। कौरवों की तरफ से 3 व्यक्ति जीवित बचे थे, दुर्योधन को छोड़ के कृष्णवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। और दुर्योधन मरणासन पे पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है और पूछता है कि बताओ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, मैं पूरा करूं। देखिए ये कथा एक और प्रसंग यहां पे देती है। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से कि देख, हमारे तो हजारों की संख्या में सैनिक मरे, भाई मरे, लेकिन उस पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रेम से बोलो श्री राधा, श्री राधा। एक भी पांडवों को खरोंच तक नहीं आई। अगर तू चाहता है कि मैं सुकून से मरूं तो उस 5 पांडवों में से किसी को तो मार के आ। ये कथा क्या समझाने की कोशिश कर रही है? दुष्ट मरेगा भी तो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। जय श्री राधा। दुर्योधन दुष्ट है ना, मरते मरते भी दुष्टता वाली काम करके जा रहा है। बोला कि अश्वत्थामा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे और मैं सुकून से मरना चाहता हूं। अश्वत्थामा गया है। युद्ध के बाद सभी अपने अपने शिविर में सो रहे हैं और पांडवों के जो 5 पुत्र हैं वो भी उसी शिविर में सोए हैं, लेकिन सबका
जो चेहरा है वो सभी पांडवों से मिलता जुलता है। रात के अंधेरे में सुथामा को पता ही नहीं लगा कि मैं पांडवों को मार रहा हूं या उनके पुत्रों को मार रहा हूं। महाराज ने जो पांडवों के पांच पुत्र थे उनकी हत्या कर दी और सर लेके दुर्योधन के पास पहुंचा। जैसे दुर्योधन के पास पहुंचा है, दुर्योधन देख के बड़ा, अब उसके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, बड़ा उसको प्रासित हुआ है। हाय मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी वियोग में उसने अपने शरीर को त्याग कर दिया है। इधर द्रौपदी ने बड़ी चीख पुकार की है। अर्जुन ने संकल्प कर लिया है कि जो व्यक्ति मेरे बच्चों को मारा है मैं उसको भी मृत्यु दंड दूंगा। अब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया है। जैसे अश्वत्थामा पहुंचा है विष्णु भी वहीं पे है और शास्त्र में स्वयं भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण हत्या निषेध है और अश्वत्थामा को ब्राह्मण है ना, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, लेकिन भगवान दोनों ही बातें करते हैं और ये शायद हम सबको समझ में नहीं आए। भगवान गीता में कहते हैं कि दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, दुष्ट को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए, और ये दोनों काम वहां पे दिख रहा है। तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा है, भगवान ने इशारा किया है कि ये बात मैंने ही की है और जो उचित हो करो। अर्जुन ने उसके मणि जो अश्वत्थामा के सिर पे है उस मणि को धर से निकाल दिया है और निकालने के बाद बोला है तुम जाओ। देखिए ब्राह्मण का सबसे बड़ा अगर कोई प्रायश्चित है तो वह है उसका अपमान। संतों अपराध कर देंगे तो जीवन में दिक्कत हो जाएगी। आज अर्जुन ने भी वही किया, अश्वत्थामा को शिविर से बाहर हटा दिया है। और देखिए है तो अभी दुष्ट ना, जाते जाते उसने भी एक दुष्टता कर दी और दुष्टता क्या कर दी कि उसने भी कसम खा लिया कि मैं अब जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा जन्म लेने वाला है मैं पांडवों के पीढ़ी को ही मैं सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि उत्तरा जी के गर्भ में है ना राजा परीक्षित। उसने पांडवों के समूल नाश के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और महाराज कुंती त्राह त्राह कर रहे कि हे परमात्मा, हे देवर, तूने मेरे जीवन में हमेशा हमारी मदद की है और मेरा हमारे वंश में एक यही तो बचा है और है कौन। और ये तो तुम्हारा ही वंश है और कौन सा वंश, भक्तों का, पांडव भक्त ही तो थे। बड़े प्रार्थना किए हैं कुंती जी ने भगवान के चरणों में, परमात्मा ने उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा की है। इधर अश्वत्थामा कृतवर्मा इन दोनों ने फिर वही गलती की है जो दोबारा करते हैं, फिर दुष्टता वाली काम किया है। धीरे धीरे भगवान ने समझाया अर्जुन को कि अर्जुन ये दुष्ट हैं, इनकी बात को छोड़ो,
जो हो गया सो हो गया, उसकी बात को खत्म कीजिए। लेकिन ये कथा एक प्रसंग और छोड़ के जा रही है कि संघर्ष से बहुत जीवन में असर होता है। और संघर्ष किसका है? संघर्ष किसका है? संघर्ष दुष्ट के संघर्ष करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसके जीवन में आएगा ही, दुष्टता आएगा। तो दुर्योधन दुष्ट है ना, तो जो उसके साथ व्यक्ति जुड़े हुए हैं सबको उसने दुष्टता सिखा दी। नहीं तो द्रोणाचार्य इतने धर्म के विद्वान और उनका पुत्र देखिए, ये संघर्ष का ही तो असर है। संघत से गुण होत है, संघत से गुण जान, ये संघत का ही असर है ना महाराज। अब इधर कथा भगवान ने अब द्वारका जाने की तैयारी शुरू कर दी है और कहे कि भाई अब हमारा यहाँ पे कार्यक्रम जितना था खत्म हुआ, अब मुझे चलने दो द्वारिका की तरफ। अब जैसे भगवान रथ लेके आए हैं, कुंती जी रथ के सामने आके खड़ी हो गई और बड़े विनम्र के साथ उनके चरणों में प्रार्थना करती है, अहम कृष्णम वयम तप्तोतसम यस्मे लोकम अहर्थम देवीं व्यास्मलकम कृष्णाय वयम नमः। नमः शब्द का इस्तेमाल किया है, नमः प्रणाम। देखिए ये प्रणाम की महिमा है, भगवान के चरणों में वयम नमः कह के संबोधित किया है कुंती जी ने। भगवान की बुआ है ना, लेकिन कृष्ण की परम भक्त। और बोलेंगे कि हे कृष्ण कुछ दिन और रह जाओ। इसी उपरांत भगवान को कुछ बातें याद आई है जो उन्होंने भक्त को कही है। किसको? भीष्म पितामह को, जो 57 दिन से कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पे लेटे हुए महाराज। और भगवान को याद आता है, अरे वो तो मेरा भक्त वहां कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, ये भी कार्य संपन्न करना है। युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव भीम इत्यादि कुंती द्रौपदी सबके साथ महाराज पहुंचे हैं कहां? कुरुक्षेत्र। आज मानो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है और पितामह को यह वरदान था। कौन सा वरदान? इच्छा मृत्यु का, मैं जब चाहूं तभी शरीर त्यागूं। मैं जब चाहूं तभी शरीर त्यागूं। कृष्ण गए हैं, अर्जुन जाके बाबा से पूछते हैं, बाबा हमारे सारथी भी हमारे साथ ही आए हैं। लेकिन कृष्ण की देखिए लीला, वो छुप जाते हैं। भगवान थोड़ा सा लोगों की प्रतीक्षा कराते हैं ना मिलने से पहले। आज भीष्म पितामह को सामने नहीं आए, क्यों? महाराज तो बाणों के सैया पे लेटे हुए हैं, अब हिंदू भी नहीं सकते और भगवान इतने नटखट कि सर के सामने जाके खड़े हो गए, अब दर्शन हो तो कैसे हो?
जैसा कि महाराज ने अभी आगे कथा में बताया है, तो सारे ब्रज के भक्त और गोपिकाएं श्री चरणों में कह रहे हैं, आज मैं देखूं जिस ओर सखीनी, आज मैं देखूं जिस ओर सखीनी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, समझते हैं बीमार का हाल तो अच्छा है, अब भीष्म पितामह की दर्द तो भीष्म पितामह ही जान सकते हैं ना, लेकिन किसी शायर की पंक्तियां हैं,
तो मानो आज भगवान ने भी जीत पकड़ लिया, थोड़ा सा तड़पाएंगे तरसाएंगे फिर इनको दर्शन देंगे। और वही हुआ है, भगवान ने विराट रूप धारण करके सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उस दिन परम सौभाग्य का दिन था, एकादशी व्रत था और संतों को तो एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया। एकादशी मेजर एकादशी पितामह हमेशा रखते थे अपने जीवन में और निर्जला एकादशी का तो बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज भी एकादशी है और महाराज चाह रहे हैं कि सूर्य एक बार अस्त हो जाए तब मैं इनको दर्शन दूं ताकि इनका जीवन ये तो सुधरे ही, ये सीधे बैकुंठ को चले जाए। तभी जब भगवान ने सामने प्रकट हो गए, अब हक्का बक्का हो गए विष्णु पितामह, अब क्या बोलो। तभी किसी शायर की पंक्तियां हैं, तुमसे मिलके न जाने क्यों, 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 कुछ और क्या। अरे आप तो रोज ही सुनते हो, अब ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि हे परमात्मा आज तुझसे मिलने के बाद तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्या बोलूं। ये किसी शायर की देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां, तुमसे मिलके न जाने क्यों कुछ और याद आता है।
हमारे पास तो 7 मिनट भी नहीं है, उनको तो यह वरदान मिला था तुम 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हमारा तो पल का भी भरोसा नहीं, हमारा तो 7 मिनट का भी भरोसा नहीं, और उनको तो 7 दिन कम से कम मिल तो गया था, लेकिन यहां तो 7 मिनट भी नहीं है। बंधुओं, दो लाइन सुनने भजन किसी बात के ऊपर, किस्सा तो देती नहीं ये किसी का, किस्सा तो देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर तुम्हारे, सांस रुक जाए कि चलते चलते, क्षमा बुझ जाए कि जलते जलते, सांस रुक जाए कि चलते चलते, क्षमा रुक जाए कि चलते चलते, तम निकल जाएगा हो तब निकल जाएगा, तम निकल जाएगा तब निकल जाएगा, तम निकल जाएगा दोस्ती का, भरोसा है इस जिंदगी, भरोसा
हवाएं हैं, यही हवा जो मेरी जिंदगी को हिलाती है। ध्यान से सुनना, यही हवा जो मेरी जिंदगी को हिलाती है और यही हवा मेरी जिंदगी को हिलाती है। श्री राधे, जो हादास जो हादसों की वजह से घरों में छिपे हैं उनको जाके बता दो, क्योंकि मौत घर में भी आती है। जो हादसों की वजह से घर में छुपे हैं कौन मौत घर में भी आती है। जो हादसों की वजह से घर में छुपे हैं ये निश्चित है कि घर में भी मौत आती है। राधे राधे, मुझे कहना है साधु देती नहीं किसी का, साधु देती नहीं, साधु देती नहीं, साधु देती नहीं किसी का। तो सुखदेव जी को तो ये वरदान था, क्योंकि परम हंस थे महाराज और राजा परीक्षित को तो 7 दिन मिला भी था, हमें तो 7 मिनट भी नहीं है महाराज पक्का, उनको तो कम से कम 7 दिन पक्का तो मिला था कि 7 दिन बाद जाओगे। यहां तो सांसों को कोई भरोसा ही नहीं कब छूट जाए आपके साथ, और फिर भी हम ना भजन करें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं होगा। मानो सुखदेव जी ये भागवत में राजा परीक्षित को सांत्वना ही दे रहे हैं कि हे परीक्षित तू परेशान ना हो, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो तुम्हें 7 दिन में तुम्हें परम धाम को पहुंचा सकती है। तो आप परेशान ना हो, लेकिन इस कथा से एक और भी ज्ञान लेने की जरूरत है। काल किसी को नहीं छोड़ता, काल किसी को नहीं छोड़ता। तभी मैं कथा में कहा करता हूं कि पाप हमारा बाप नहीं है जो हमें छोड़ देगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पाप हमारा बाप नहीं है जो हमें छोड़ देगा। वो कब किस रूप में आ जाए, आज राजा परीक्षित के जीवन में एक सर्प बन के आ गया है। ये काल की महिमा है महाराज। परम विद्वान परम ज्ञानवान उनसे भी गलती करा दिया, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमसे तो गलतियां होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात और है, वो चेत गए थे, सचेत हो गए थे, लेकिन हम अभी भी सचेत नहीं हुए, अभी भी दो चार के चक्कर में लगे हैं। हम क्या करते हैं, पूरी रात पूरा दिन पैसा कमाते हैं, पूरी रात सोते हैं, और जब जीवन के बारे में सोचते हैं तब तक जीवन ही खत्म हो जाता है। जब थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती है तब तक समय नहीं बचा, समय चला गया। तो मानो इस कथा से हमें एक चीज सीख लेनी चाहिए कि समय का
प्रभाव हर जीव पे पड़ेगा, उससे ना आप बचोगे ना हम बचेंगे। लेकिन जागना बहुत जरूरी है, जाग जाओ, नहीं तो फिर क्या पता कब मौका मिले ना मिले, इन सांसों का क्या भरोसा। अभी चल रही है दुनिया जगमग जगमग लग रहा है, हम गलत फहमी में जी रहे हैं, सच यही है हम गलत फहमी में जी रहे हैं। महाराज किस बात की बात करते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो उम्र ही क्या है। द्रवन्नोकम अहम कृतम मनुष्य भाग्य उदयम देह परित्याग कृतम यस्य लोकम परम धीमहि। इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब साथ छोड़ दे महाराज, इसका कोई आप भरोसा मत करो। आज परीक्षित को सुखदेव जी यही बात कह रहे हैं कि राजन तुम तो उन करोड़ों जीवों से बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें सात दिन संतुष्टि के मिले हैं, ये जीवन बना लो। तभी तुम कहते हैं तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी, लेकिन कितने दिन तक, जब तक कथा चल रही है राधे राधे हो रहा है। महाराज गए यहां से फिर राधे राधे भी गए, जाग जाओ, कथा में आए हो तो जाग जाओ, क्योंकि ये मौका मिलने वाला नहीं है दोबारा। ये तन जो मिला है बड़े तप करने के बाद मिला है, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होता है तो भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, और उसके बावजूद भी जीवन को सार्थक नहीं बनाए तो फिर एक दिन जीवन ही आपको सार्थक बना देगा। प्रेम से बोलो श्री राधे, जय श्री राधे। मौत मोहताज नहीं किसी की, ध्यान से सुनना, मौत मोहताज नहीं किसी की, तुम कहो और वो चली जाए। मौत किसी की मोहताज नहीं कि तुम कहो वो चली जाए, जिसको जाना था वो जाएगा। तुम क्यों सोचते हो क्यों रोते हो, उसका भरोसा नहीं कब कहां आ जाए। जय श्री राधे श्री राधे। वो कब आ जाए आपको क्या भरोसा, ये जीवन की हकीकत है महाराज। बड़े भाव से सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया है, और कथा का प्रारंभ जैसे हुआ है, जैसे कथा का पहला अध्याय सुखदेव जी ने अपने मुखारविंदु से सुखदेव परीक्षित को सुनाई है, थोड़ा सा मामला अभी हिल डोल रहा है। सुखदेव जी कह रहे कि राजन अभी भी मौका है, देख लो किधर जाना है, इधर या उधर। सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित प्रणाम करके बोलते हैं, हे गुरुदेव अब तो जो करो तुम ही करो, मैया जहां लेके चलनी है ले चलो, पार करा दोगे तो भी भला, ना पार कराओ तो भी भला। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि हम अपनी मैया को किसी पे छोड़ना ही नहीं चाहते, और वो हमारा मैया कौन लेके चला जाता है, जब पता चलता है तब तक बहुत दिन बीत जाते हैं।
इसके बाद कथा का प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंध में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा है, ये बताइए भगवान के रूप कैसे हैं, भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, भगवान का दो रूप बताया है, सूक्ष्म और विराट रूप। परमात्मा अपनी माया की दृष्टि से इस जगत का निर्माण करते हैं, वही पालन करते हैं, वही जीव को आगे लेके चलते हैं, वही जीवन को मरणासन पे पहुंचाते हैं। ये सृष्टि के निर्माण के बारे में बहुत अद्भुत प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यहां पे सुखदेव जी महाराज, क्योंकि परमहंस है महाराज और ज्ञान, क्योंकि सुखदेव जी मां के गर्भ में ही भागवत का रसपान कर लिए और डर इतना था इस जगत से कि मां के गर्भ से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। आप सबको पता है कथा, जब सुखदेव जी अपने मां के गर्भ से निकले हैं, वेदों व्यास जी के लाख पुकारने के बाद भी वो रुके नहीं है, और वेदों व्यास जी यही नहीं चाहते हैं, प्रेम से बोलो श्रीराज, हर पिता चाहता है मेरे पुत्र मेरी गोद में खेले, लेकिन सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े जंगल की तरफ। और जब राजा परीक्षित उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं, अहम भाग्यम उदयम संतम कीर्थम पुलस्तते, अहो भाग्य जीवन में संत आया, और संत जब गुरु बन के आ जाए तो फिर बात ही क्या कहेंगे। आज राजा परीक्षित के जीवन में भी सुखदेव जी महाराज वैसे ही पधार रहे हैं, संत गुरुजन बन के। फिर प्रश्न पूछा है कि ये बताइए सृष्टि कैसी बनी, सृष्टि के कैसी उत्पत्ति हुई। आगे के प्रसंग में है कि ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को, जैसे आप सब कथा सुने हैं, मनु शत्रुपा के रूप में दो संतान पैदा की और मनु शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया। मनु शत्रुपा के हम सब संतान हैं, इसलिए हम लोग मानव हैं, क्योंकि मनु के संतान है ना। तो मनु शत्रुपा के रूप में ब्रह्मा ने अपने योग माया से इस सृष्टि का निर्माण किया, उस सब के हम लोग अंश हैं। मनु शत्रुपा के फिर दो पुत्र तीन पुत्रियां हुई, देवहूति आहूति सुरुति, ये तीन पुत्री हुई, और उन्हीं के द्वारा वंश परंपरा की निर्वाह अभी तक इस उत्पत्ति का ब्रह्मा ने किया। ये भागवत में कथा है, आगे इसको बहुत विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। और एक और प्रसंग है कि ब्रह्मा ने अपनी योग माया से एक और पुत्र उत्पन्न किए, कर्दम ऋषि, जिनके पुत्र बाद में कपिल जी, भगवान कपिल के रूप में उनके यहां पैदा हुए, पुत्र बने। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जब हमारे को जीवन में भरोसा ही नहीं तो फिर हम नाहक क्यों परेशान हों, अरे जो मिला है उसको जी तो ले।
और उसके बाद भी हम ना जिए तो फिर इस जीवन का कोई मोल तो नहीं है। आज बार बार राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और बार बार गुरु के चरणों में बंधन करके ये बार बार कह रहे हैं, अहो भाग्यम संत गुरुजन हमारे जीवन में पधारे, और मैं इसको निरर्थक नहीं करना चाहता। सुखदेव जी आप कृपा करके भागवत सुनाइए, मुझे मोह माया से अब नहीं लेना देना, और मोह माया से लेना होता तो मैं अपने राजपाट छोड़ के क्यों यहां पे आता। आप कृपा करके मुझे कथा का श्रवण कराइए, क्यों? क्योंकि मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे इस आवागमन से दूर होना है। आज बड़े परीक्षित महाराज बहुत आंसू बहाए, भागवत में कहा है कि इतने अश्रु बहे हैं कि जो व्यास पीठ पे जिस पे सुखदेव जी महाराज को विराजमान कराया है महाराज ने, इतने आंसू बहे हैं कि भागवत पीठ जो है वो ऐसी लग रही है जैसे किसी नदी में हो। और क्या बोलिए, मानिए कबीर बाबा, एक कबीर बाबा कितनी सुंदर बात कहते हैं, रहना नहीं ये देश निराला है। कबीर बाबा कहते हैं रहना नहीं है ये देश निराला है, रहना बिराना है। अब परीक्षित महाराज के जीवन में वैराग्य का उदय हो गया है। ये परीक्षित जी के शब्द हैं, रहना नहीं है ये देश बिराना। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं ये देश वीराना। देखिए कितनी अद्भुत बात कबीर बाबा कहते हैं, रहना नहीं ये देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। कितनी बात अद्भुत कही है आज कबीर बाबा ने, रहना नहीं ये देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। और हम क्या कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं नहीं रहना यही है क्योंकि देश अपना है, वो जब तक अपना है जब तक ये सांसें मिली हुई है, जिसकी तान कटा यही देश वीराना हो जाए। और क्या कह रहे हैं बाबा, यह संसार कांच की बाटी, यह संसार कांच की बाटी,
उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना। कहते कबीर सुन भाई साधो, कहते कबीर सुन भाई साधो, सतगुरु एक किनारा है, रहना नहीं देश वीराना। कबीर बाबा कहते हैं कि सतगुरु जो है वही एक किनारा है, बाकी सब वीराना। आज मानो परीक्षित जी बैरागी को धारण कर चुके हैं। और एक बात और समझ लीजिए, जब मृत्यु नजदीक आती है ना तो सबके अंदर बैरागी आ जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। हम किसी के संतान में जाते हैं क्या होता है, वहां पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज के बाद से क्या है देखो ना, हमारे साथी को साथ चल बसा क्या रखा है ना, और जैसे उस भूमि से बाहर निकले फिर वही। तो कबीर बाबा ये बात कह रहे हैं, रहना नहीं ये देश वीराना है। कब तक भागोगे? और शास्त्रों में संसार का बड़ा शाब्दिक अर्थ बताया गया महाराज, संसार समम इति सानम मतस्य इति लोकम, ये इसका पर्यावरण, ये इसका व्याकरण है। संसार का मतलब सम इति सानम पर लोकम इति नमः, मतलब जहां पे राजा रंक फकीर एक समान हो उसी को शमशान कहा जाता है। ये आज मृत्यु के भय से राजा परीक्षित के अंदर मानो वैराग्य जाग गया है। और तभी तो आदमी ऐसे ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। हम सब ये कहते हैं ना, क्या पगला के बात कर रहे हो, अरे जब देखो बोलते रहते हो भगवान की भजन करो, अरे अभी मेरी कोई उम्र ही हुई। लेकिन राजा परीक्षित के पास तो दिन के 7 दिन मिले हैं और यहां तो 7 मिनट भी नहीं मिले हैं। क्या पता पल का, क्या पता पल का। किसी शायर की ये पंक्तियां कितनी प्यारी है, ये मौत के करीब जितने हम आते जा रहे हैं और जैसी विधावस्था हमारे जीवन पे हावी होती है, मन में धीरे धीरे वैराग्य आता है। लेकिन माया इतना बृहद है कि उस वैराग्य को अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता। बार बार एक ही चीजें होती जाती है महाराज, कौन कहता है क्या हो रहा है, वो तो कहता था मैंने देखा हूं, न वो सुना ना मैं सुना, न वो सुना ना मैं सुना, बस कहता रहा मैं देखा हूं, न वो सुना ना मैं सुना, बस कहता रहा मैंने देखा हूं। जग की रीत पुरानी जैसी, जग की रीत पुरानी जैसी, वो देख देख हंसता ही रहा, मेरा मन कहता है उसने देखा पर मैंने कभी देखा नहीं। ये हरिराम जी व्यास कहते हैं, दुनिया कह रही है मैंने देखा है लेकिन मैंने नहीं देखा है। मैं क्या करता हूं, चादर फैला के सो जाता हूं और जिसको मौत बुलानी हो बुलाए, जिसको नहीं बुलानी ना बुलाए, मैं तो सोऊंगा। और किसके पास सोऊंगा, ठाकुर के पास। तो जब मैं पहले ही सोच लिया कि उसके पास सोना है, ठाकुर के पास जाना है, तो फिर मेरे को मौत से क्या डरना है।
लेकिन हम ये बात इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि अभी भी वो माया में इतने लपेटे पड़े हैं कि हम लोग सोच ही नहीं सकते कि ठाकुर के पास जाना है। हम तो कहते हैं मंदिर तक चले जाएं भैया, वही बहुत, मंदिर में चले जाएं उतने में हमारा उद्धार हो जाए। तो मानो राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा है कि ये बताएं मेरे वंश का क्या हुआ, आपने कथा सुनी, परीक्षित को बताया गया है कि आपके वंश में आपको ऊपर भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा उपकार रहा है कि आपको उन्होंने आपके गर्भ में उत्तरा जी की, आपकी माँ के गर्भ में आपकी उन्होंने रक्षा की। इस तरह से राजा परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा है कि वो भगवान दिखते कैसे हैं, हम जिसकी कथा सुन रहे हैं वो कैसे दिखते हैं, अरे वो कौन से हैं। ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में ये जवाब दे रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, कह रहे हैं वो इति बनवाल उत भिकुटी कमाल इति माथे पे मुकुट उत बंदी नाल। ये ब्रज भाषा है, इति बनमाल उत भिकुटी कमाल इति माथे पे मुकुट उत बंदी माल दार है इति सो बजावत मुरली अनुपराग इति सो बजावत मुरली अनुपराग इति सो बजत नुपुर रोज रोज है। ये भक्त माला जी अपने भक्त माल किताब है, भक्त माला जी ने लिखा है, ये उसकी पंक्तियां हैं चार लाइन कि कैसे दिखते हैं वो, उनका स्वरूप कैसा है। तो सुखदेव जी महाराज उनके स्वरूप की वर्णना करते हैं, श्याम वर्ण है, माथे पे मुकुट है, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, स्वयं जगदीश हैं वो, और तो और क्या हम बोले उनके बारे में, जितना भी कहूं उतना ही कम है। हे राजा परीक्षित, बस इतना ही मान लो कि उन्होंने आपके जीवन पे क्या एहसान कम किए, लेकिन फिर भी अगर आप रूप की बात करते हो तो मैं रूप के बारे में बताता हूं कि दिखने में कैसे हैं। अहम परम लोकम इति सुंदर शरीरम नमः कुंज विहारिणे सुंदर पतम परम लोकम अस्मानि लोकम ज्ञाने देव। वैसे विराट स्वरूप है, कानों में कुंडल है, मोर पंख मुकुट के शोभा बढ़ा रहे हैं, और कवियों के बड़े अपने अपने भाव है रसकों के। तो आइए दो मिनट उस परमात्मा के रूप के वर्णन करें, दिखने में कैसे हैं, क्योंकि कल गोविंद का जन्मदिन भी हम लोग मनाएंगे यहां पे। तो अभी राजा परीक्षित ने भागवत में यह प्रश्न पूछ लिया है कि जिसकी कथा आप सुना रहे हैं सुखदेव जी, वो परमात्मा देखने में कैसे हैं, कैसे देखते हैं। कहते हैं हे राजा परीक्षित, तुम ये ना सोचो कि वो कहां नहीं है, वो तो हर जगह है, तुम बस एक बार बुलाओ तो सही कहां है। ओ मेरे बाके बिहारी समैया सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे, वो हर जगह है तो बुला के तो देखो। ओ मेरे बाके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं। ओ मेरे बाके बिहारी समरिया जलवा के ओ मेरे बाके
हर कड़कड़ में है, कहां नहीं है। ये सुखदेव जी मानो कह रहे हैं अहम लोकम विश्वव्याप्तम श्री कृष्णाय वयम, हर जर्रे जर्रे में है वो, उसका जन्मा कहां भी देखो। ओ मेरे बाके बिहारी ओ मेरे बाके वहां तो पीने के पैसे भी लगते हैं।
यहाँ तो पीने के पैसे भी नहीं रखते। और लोग पीते हैं पी के जीते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। और लोग पीते हैं पी के गिरते हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। देखिए वहां तो पीने के बाद गिरने के भी चांस है, यहां पीने के बाद गिरने का कोई चांस नहीं। और ये जो मस्ती है ये उतरने वाली भी नहीं, और वो तो कभी तो किसी शायद ने की शायद की है दो लाइन। और जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। देखिए जाम पर जाम जितना मर्जी पी लो भैया, कोई फायदा नहीं, इसका मतलब नहीं। और जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। और क्या, और रात को भी सुबह को उतर जाएगी, रात को भी सुबह को उतर जाएगी, रात को भी सुबह को उतर जाएगी, रात को भी सुबह को उतर जाएगी। Thank you.
की शुरुआत हुई है और दम दम दिगा दिगा Radhe Radhe.